और मैं ब्रजेश सिंह, फिलहाल अभी हम एक पेट्रोल पंप पर हैं, तेल लेने आए थे। लगा कि हम अपने दर्शकों को दिखा दें मोदी सरकार का तोहफा है, और हर रोज़ मोदी सरकार है या जो भी सरकार कह लें, तोहफे ही तो दे रहा है। रोज़ 25 पैसा, 75 पैसा, 1 रुपया बढ़ जाना है, यानी आपका पॉकेट से, आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें से रोज़ 75 पैसा, 1 रुपया, 8 आना, 4 आना निकलना है। यही है मोदी सरकार का तोहफा। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी का क्या स्तर है, खास करके बिहार सरकार को। और बिहार सरकार को हम इसलिए दोष दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर है तो वो बिहार में है। अभी जानते हैं, अभी 105.14 रुपया नॉर्मल पेट्रोल है, जो चलेबुल पेट्रोल है, और जो बढ़िया पेट्रोल लीजिएगा तो उसका दाम 109.12 रुपया है। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिखाने का मतलब भैया जो हो जाए, लेकिन समझना ही पड़ेगा बिहार सरकार को कि भैया एक तरफ आपने शराबबंदी कर दिया, ठीक है, लेकिन शराबबंदी का जो आपको फायदा होना चाहिए, क्या वो हम ही लोग को पेट्रोल के रूप में देना होगा? दिल्ली की अपेक्षा, अन्य राज्यों की अपेक्षा, हमारे बिहार में तेल का दाम बढ़ गया है साहब, कहाँ से देगा गरीब आदमी? यहाँ तक कि हमने पिछले दिनों वीडियो भी बनाया कि अब लड़का वाला कहता है कि भैया हमको बाइक वाइक नहीं चाहिए, हमको कैश दे दीजिए, बाइक दीजिएगा तो पेट्रोल कहाँ से भराएंगे? वो अजीब बात है, नहीं विश्वास है तो ये भी देखिए, ये किसान है, लुंगी में है, इनसे भी समझना होगा कि ये बेचारे कहाँ से तेल ले रहे हैं, कितना का तेल ले रहे हैं? 100 रुपये का। काहे 100 का ले रहे हैं? कितना 100 में चलेगा? अब क्या करेंगे, गरीबी हालत, अब किसी तरह तो चलना ही पड़ेगा। 100 में तो आपको 1 लीटर तेल नहीं मिलेगा। अब कर क्या सकते हैं सर, इसका दोष किसको देते हैं? हम तो मोदी सरकार को ही देते हैं। काहे? अब राष्ट्रीय सरकार, हमारे राजधानी का सरकार जो है उसी को देंगे, बिहार सरकार को दे के हम क्या कर सकते हैं सर? अच्छा, तो हम मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं? हाँ, जब हमारे केंद्र सरकार से ही नहीं मिलेगा तो हम बिहार सरकार को कहाँ से बोल सकते हैं? देखिए, मोदी सरकार हो या बिहार सरकार हो, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूँगा साहब, खास करके नीतीश बाबू को, कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा, हर राज्यों से ज़्यादा टैक्स बिहारियों पर थोप दिया है, इसका खामियाजा आम किसान भुगत रहे हैं, आम आवाम जो गरीब हैं, जो ठेला का ये काम करते हैं, क्योंकि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगा होने के वजह से भाड़ा में काफ़ी इजाफा हो गया है। नहीं विश्वास है तो मैनेजर साहब हैं यहाँ, उनसे पूछते हैं कि रोज़ का जो इनका सेल था उसमें प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। रेट बढ़ा है मैनेजर साहब, तो कुछ सेल में डाउन हुआ है? सेल तो काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। काफ़ी डाउन हुआ है, सेल पे असर हुआ है। कितना असर हो गया है? लमसम आधा, आधा अधिक का हो गया, आधा क्या? ये मैनेजर हैं, इस गेराबाड़ी में आप आएंगे तो इस पेट्रोल पंप के मैनेजर का कहना था कि आधा अधिक का फ़र्क हो गया है। आधा अधिक का फ़र्क क्यों नहीं होगा साहब? अब जो आदमी 1 लीटर तेल कंजप्ट करता था वो अभी आधा लीटर से भी कम तेल लेता है, क्योंकि भैया दाम है 109.12 रुपया, 105.14 रुपया। ये इसी के लिए सरकार, लोगों ने सरकार को चुना था। समझना पड़ेगा उन लोगों से जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे समझना होगा कि इस तेल का फ़र्क उनके ज़िंदगी पर कैसे पड़ा है, कितना पड़ा है, वो समझना होगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। कितना फ़र्क पड़ा है आपको तेल का, जो रोज़ इजाफा हो रहा है दाम में, कितना फ़र्क पड़ा है? अगर तेल के मामले में तो कम से कम 60% फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? फर्क महंगाई, इतना महंगा हो गया है हर चीज में, महंगा। हाँ, चाहे कोई सा भी तेल रहे, डीजल हो, पेट्रोल हो, या करू तेल हो, खाने का तेल हो, खाने का, हाँ, खाने का भी तेल। नहीं, अभी फिलहाल पेट्रोल पंप में है तो पेट्रोल और डीजल का बात करेंगे। कितना फर्क पड़ा आपके ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा फर्क। कितना फर्क? क्या काम है जो रेट बढ़ने से नहीं कर पा रहे? कम से कम 40% तो यही है ना महंगाई के तौर से, महंगाई हो गया। चलिए, एक किसान है, गमछी है, बिहारी है, बताइए कितना फर्क पड़ा है दाम बढ़ने से? वही सब पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ा है।
बिहारी है भैया तो फर्क तो पड़ेगा, इधर देखो मजदूर है। अरे तोला आपके ऊपर फर्क पड़ा है कि नहीं तेल का दाम का? बहुत फर्क पड़ा। कैसे फर्क पड़ गया है? जहाँ 70 रुपया था वहाँ 110 रुपया हो गया पेट्रोल। फर्क पड़ा है? इधर बताइए हमारे दोस्त को क्या फर्क पड़ा है आपके ऊपर? बहुत है, मजदूर लोग हम सब हैं, जितना कमाते हैं उसका आधा आधी पेट्रोल का दाम है, सब कुछ का दाम बढ़ रहा है, मजदूर का दाम ही नहीं बढ़ रहा है, मजदूरी का दाम। बहरहाल जो भी कुछ हो, लेकिन मामला है वृद्धि का, यानी आप पेट्रोल डीजल के दामों में रोज